ये देखिए जी, कैप्टन साहब ने सानू चंदन की लकड़ी ना बैड बनवा के भेजा जे। इसे तक दस्या कि जेड़ा मीडिया वा मोदी दा ते कैप्टन दा जेड़ा गोदी वाला मीडिया वा जेड़ा केंदा वा जी, वेखो जी जेड़ा डिजिटल इंडिया वा किड्डा वधिया, वेखो जी साडा देश आ किड्डा वधिया, साडा पंजाब आ। पर मैं कैप्टन सरकार नूं दसना चाहुंदा वी कैप्टन साहब इत्थे ग्राउंड जीरो ते आण के वेखो। एवन पंजाबी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़ा दोस्त हरप्रीत सोढ़ी तो अच्छ गलबात करते हैं जी वायरल वीडियो से। दोस्तों वायरल वीडियो तुम बहुत सारे देखे होने जिस दे विच के बच्चे अपने अपने तरीक़ों के नाल कुछ ना कुछ मैसेज देंगे ने प्रशासन नू, लोकां नू, किसे नू भी। पर दोस्तों अज तुहानू इक अजिहा वीडियो दिखावांगे जिस दे विच बच्चे क्रिकेट भी खेड रहे ने, उह क्रिकेट की कमेंटरी करते करते पहला पंजाब के मुख्यमंत्री अते फिर देश के प्रधानमंत्री नू व्यंग कसदे कसदे करके ने बहुत वड्डे सवाल खड़े। अते जेकर ये वीडियो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देख लैन तां उहनां नू भी सोचण लई होणा पएगा मजबूर। सो तुसीं भी देखो पहला ये वार हुंदा वीडियो। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेकर पंजाब से आपके साथ लाइव हुए हैं, देख सकते हैं आप। कैप्टन साहब की ओर से आज यहाँ पर खाली स्टेडियम में टूर्नामेंट कराया जा रहा है, और यहाँ पर जो ये मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल है ये दिया जाएगा, और साथ में जो बैट बहुत महंगा है, इनसे आप हम पूछते हैं ये बैट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या क्वालिटी है इस बैट में। ये देखिए जी, कैप्टन साहब ने सानू चंदन की लकड़ी ना बैड बनवा के भेजा जे, ते नाले सानू आ ग्राउंड देदा वधिया जिहा, ते सानू पढ़न नू पढ़ाई नहीं दिंदे, ते अद देखो जी साडे प्यो नाल शराब शराब दई जांदे आ, ते सानू किने सोहणे वाहन दित्ते आ जी जी। खेलने के लिए जे मैदान दिया आपको इधर, आप मैं कैमरामैन को कहना चाहता हूं कि हमारे साथ आए और भी दिखाएं, इधर हमारे बड़े-बड़े प्लेयर जो हैं इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लेयरों को हम ये कहना चाहते हैं हमारे को सरकार ने जो पैड भेजे हैं जी जी, जो पैड हैं ये काफी महंगे लगते हैं। हाँ जी हाँ, बैड तो काफी महंगे हैं। आप अपने बैड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो सेलो टेप वगैरह लगाई है, काफी सफाई में इसको बनाया है, आप इसके बारे में, ये किसने दिया है? ये सरकार ने दिया है आपको। जी जी, सरकार ने दिया है आपको, कौन सी सरकार ने दिया है? कैप्टन सरकार ने दिया है। मीनिंग काफी अच्छा आपका जो बैड है, देख सकते हैं कितनी सफाई है इस बैड पर, देख सकते हैं ये ली, इसमें कोई भी टंका नहीं लगा है, किसी भी तरह से टूटा नहीं है बैट, बहुत अच्छा बैट है। और इस बैट से सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो खेलते रहे हैं, और हम अभी आपको बता रहे हैं कि कितना अच्छा देखिए ग्राउंड है। असी वीरो अज जेड़ा ये इतने तुहानू दस्या कि जेड़ा मीडिया वा मोदी दा ते कैप्टन दा जेड़ा गोदी वाला मीडिया वा जेड़ा ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜੀਰੋ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਵਸ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਯੈਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ BCCI ਦਾ ਸਕੱਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਬਰਬਾਦ ਹਬਰਬਾਦ ਹਬਰਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਨੇ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
तो साढ़े भारत हों भी यही है कि जेडे टैलेंटड बच्चे होंगे रह जाते हैं, चाहे वह आर्थिक स्थिति हो चाहे किसी भी कारण करके। सो ये जोड़े बच्चे ने इन्होंने वायरल करके वीडियो बहुत ही व्डा जोड़ा कि एक मैसेज दिता है साढ़िया सरकार, सवाल भी खड़े किए ने पंजाब की सरकार मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सो दोस्तों वीडियो किस तरह लग्या प्लीज़ लाइक तो कमेंट जरूर करना। ये हूँ तक की अपडेट नवी ताज़ा अपडेट जुड़े रहो एवन पंजाबी टीवी नाल, ते मैनू दिओ इजाजत धन्यवाद। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं ही रिलीफ मिले है 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुम भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने, ये 125 बीमारियों तक के इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यद कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।